वायरल, ये शब्द कल तक बुखार के लिए यूज होता था, लेकिन आप जहां देखो वहां वायरल होने का बुखार चढ़ गया है। कल तक वायरल होते थे अच्छे लोग, अच्छे गुण, फॉर एग्जाम्पल अपना स्वतंत्रता का संग्राम, जिसके बारे में किसी ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली थी, फिर भी लोग इकट्ठा होते थे। क्यों? क्योंकि तब दिल से दिल का कनेक्शन होता था, सोशल मीडिया का कनेक्शन नहीं था। आज मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ भी व्यूज नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इंसानियत पर एक वीडियो अपलोड की थी, उसे भी लगभग 100 से ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे। लेकिन एक लड़की है, बच्ची है छोटी, किट्टू नाम की, जिसने सोशल मीडिया पे एक मीनिंगलेस कविता वीडियो पोस्ट की है और उसके व्यूज है 5000। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 6000 मम्मा! क्या? 6000? क्या हुआ? 6000 रुपए गए? अरे नहीं नहीं, वो हुए पैसे? किट्टू ने जो वीडियो अपलोड किया था ना, उसे 6 नहीं अभी तो 10000 व्यूज। कमाल है, मतलब मैं इतना अच्छा कंटेंट डालती हूँ, फिर भी मुझे इतने व्यूज नहीं मिलते, और इसने ये मीनिंगलेस कविता डाली और इसके व्यूज देखो 10000। हाँ नहीं दीदी, आपकी फिगर्स भी गलत है, ये देखो 20000। क्या बात कर रहे हैं, मुझे रिफ्रेश करना। आई होप किट्टू ने यामिनी भाभी या दक्कू भाई की तरह कोई वाहियात कविता नहीं डाली है ना। डैडी मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार वीडियो देख ही लो। यस ऑफ कोर्स, यो वे टू गो किट्टू। पपीता पापा के पास आया, पापा को पपीता भाया, पपीता ने पापा के लिए सारे गाना गाया, पर पापा ने पपीता को ही खाया और बोला पपीता छैया 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 छैया। मेरी कविता का टाइटल है पापा के पेट में पपीता छैया 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 छैया। मैंने हमारी किट्टू का हमारी सोसाइटी में एक इंटरव्यू प्लान किया है। नहीं ए, इसकी जरूरत नहीं है, ये किट्टू की कविता है ना, बहुत अच्छी है। हाँ क्या अच्छी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। राज इधर। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत। थैंक यू आंटी। आज की पार्टी किट्टू के 50,000 व्यूज के नाम। ये देखिए 49,999 व्यू हो चुके हैं, अब केवल एक व्यू बाकी है। हुर्रे! और वो एक व्यू मेरे लिए बचा हुआ है, और वो व्यू मैंने दे भी दिया। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। एक सेकेंड, अब आप हैं कौन? मैं मीडिया एक्सपर्ट मुरली श्रीवास्तव। मेरा एक्सपर्टीज और मेरा अनुभव कहता है कि किट्टू के वीडियो पे 1 घंटे के अंदर 1,00,000 से ज्यादा व्यू हो ही जाएंगे। ओ, क्या बात है! ओ राजेश भाई सुना, 1,00,000 व्यू, वाह! So I would like to give you an offer. Offer? अरे बाबा। और वो ऑफर ये है कि मैं किट्टू को सेलिब्रिटी सुपरस्टार बना सकता हूं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगले 24 घंटे में किट्टू को एक और वीडियो पोस्ट करनी होगी। और अगर उसके इस पोस्ट पे पुराने पोस्ट से ज्यादा रिस्पांस आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करना। किट्टू को सुपरस्टार बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पैसों की बारिश होगी, बारिश। बाय। वो अपनी हर पर्सनल चीज अपलोड करते रहता था, मतलब जैसे घर का इंटीरियर, गाड़ी, कुछ भी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे अपलोड करता था, और कुछ ही दिनों में फेमस हो गया वो। जोयू? क्या जोयू? किसी ने उसका घर लूट लिया, सबसे पहले ये बात सोशल मीडिया पे आई, इसीलिए फेमस हो गया वो। देखिए क्या बात कर रहा पंटर, अगर ऐसा है तो फिर तो रोकते हैं किट्टू को।
लेकिन दकु, वो श्रीवास्तव कह के गया है ना कि पैसों की बारिश होगी, जरा सोचो दकु। नहीं नहीं हम, मुझे पंटर की और राजेश भाई की बात बिल्कुल सही लग रही है, ये सब मोह माया है। अगर पैसों की बारिश नहीं हुई तो, अगर हमारी किट्टू सोशल मीडिया की बाढ़ में बह गई तो फिर कोई श्रीवास्तव बचाने नहीं आएगा। नहीं नहीं बाबा, हमें किट्टू को मना करना ही होगा, उसे रोकना ही होगा। यस किट्टू, किट्टू बेटा यहाँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी कोशिश, मतलब वो कविता लिखी तुमने। थैंक यू। और स्कूल शुरू हो गया ना? तो अब तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो सोशल मीडिया का चक्कर होता है ना किट्टू, स्पेशली ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स का चक्कर, इसमें इंसान फंसता चला जाता है, बाकी किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता है। और इस वक्त तुम्हारा अपनी पढ़ाई पे, स्कूल पे, अच्छे मार्क्स लाने पे फोकस करना जरूरी है ना? बिल्कुल। हाँ, अच्छे मार्क्स लाओगी, अच्छे से पढ़ोगी, तभी तो अच्छा करियर बना पाओगी, इतनी बड़ी बनोगी कि लोग तुम पे कविताएं लिखेंगे, है ना? वाह। इतने सारे लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है, आपको तो सामने से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? वैसे सोचा जाए तो हमारे बचपन में हमारा हुनर दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्टेज होता था, वो भी गणेश उत्सव वाला, याद है ना? और ऑडियंस कौन सी थी? वही एक बिल्डिंग या फिर जिस गली में वो स्टेज लगता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से आप पूरी दुनिया में ऐसे तुरंत फैल जाते हो। तो हाँ कह दे। लेकिन सोशल मीडिया का जो चक्कर है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो ना कह दे। अरे देख देख देख, मारा तो इतना कहना है कि भाई तेज गणपति का हो या सोशल मीडिया का, लक्ष्मी सामने से तिलक लगान वास्ते आ रही है, ना क्यों बोल रहा है? चलो तो हाँ कहें या ना कहें, कुछ तो बोलो। हाँ। अब समझ में आ रहा है बेटी के मामले में निर्णय लेना कितना कठिन होता है। किट्टू आओ। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग सोच समझ रहे हैं। मतलब? देखो बेटा, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, और इस वक्त यहाँ हम जो कर रहे हैं उसे ही सोच समझ कर कहा जाता है। वाह, पर मैंने तो फॉर्म भर के सबमिट भी कर दिया। क्या? हाँ, कल मेरा ऑडिशन है, आप आ रहे हो ना मम्मी पापा? गई भैंस पानी में। फिर कुछ भी मत बोलना और कुछ भी मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि किट्टू ने जो कहा है वो सब सही है। किट्टू, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी बेवकूफ एक्टिंग मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमने सब मैनेज किया है। झूठ बोलना ही नहीं है। किट्टू बेटा चलो घर चलते हैं। थैंक यू बोलना अंकल को। छत्तीस घंटे ही सही, मैं अपने माँ बाप से दूर तो रहूंगी, असल जिंदगी क्या होती है कम से कम वो तो देख पाऊंगी। किट्टू क्या है ये सब? हम लोग झगड़ा करते हैं तो? मैं झगड़ा करता हूँ लेकिन केवल सोसाइटी मीटिंग में, समझी तुम? इसका मतलब मैं झगड़ा करती हूँ ये बात सही है? यम, मैंने ऐसा कब कहा? तुम सिर्फ अपने इमेज के बारे में सोचो तक्षेश। अरे यम, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? हाँ, मैं ही सब करती हूँ और तुम खिलौनों के दुकान में बैठे हुए टेडी बियर हो। यम, हमारी बात क्या चल रही थी? मुझे क्या पता। अब देखो आप दोनों झगड़ा नहीं कर रहे,
किट्टू इधर आओ, बैठो बैठो। देखो किट्टू, जब कोई बच्चा मम्मी पापा के बारे में ऐसे बात करता है ना, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो शायद उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। किट्टू बेटा, सब ठीक तो है? मैंने एक कविता लिखी है, उसके टाइटल और मीनिंग में आपके सवाल का जवाब है। मैं बोलूं? बिल्कुल। आपने पूछा सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं लगता मुझे सेफ। घर पर रोज होता है WWF। पापा मम्मी झगड़ते हैं, जिसका नेबर देखे पिक्चर, फाइटिंग वाली बैटिंग रोज की, रोज होता 4 और 6। प्लीज सेलेक्ट करना मुझे, मुझे सेलेक्ट है होना। टेंशन आता घर का, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। ये हमारी किट्टू है। That is called spirit. अगर किट्टू के पापा मम्मी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ही उनको बोलना चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स बनने के लायक हो ही नहीं। अगर अपने देश में बच्चों को पेरेंट्स से डिवोर्स लेने की परमिशन मिलती, तो मैं किट्टू से कहती भाग जा वहां से, तुम्हें बड़ा करने के लिए पूरा देश खड़ा है। थप्पड़ मारा? पॉसिबल नहीं है, वरना जान से मार देता। पर क्यों? अरे तुम्हारी बेटी सुपरस्टार बनने के कगार पे है, तुम थप्पड़ मार रहे। What? अरे चैनल को तुम्हारी बेटी की मदद के लिए देश भर से फोन आ रहे हैं। Oh my God! अरे तुमको देश भर से इतनी गालियां मिल रही हैं कि जितना एक हिंदी फिल्म के विलन को नहीं मिलती है। किट्टू बैठो। कैसे हो? बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, मुरली अंकल मुझे बता रहे थे कि इस रियलिटी शो के बाद मुझे एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। गुड। मम्मी पापा की याद आती? और मुरली अंकल ये भी बता रहे थे कि इस शो के बाद ना मैं और मम्मी पापा आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। क्यों? मम्मी पापा तो बुरे हैं ना? किट्टू, मम्मी पापा इतने बुरे होते तो अडॉप्ट नहीं करते ना? किट्टू, ये क्या नाटक चल रहा है? किट्टू, ये वाली फोटो याद है तुम्हें? वो सोसाइटी में चम्मच पे कंचा बैलेंस करने का कंपटीशन हुआ था, और दक्कू भाई ने तुम्हें जिताने के लिए कितनी मेहनत की थी, याद है? और तुम्हें वो याद है जब सोसाइटी के बच्चों में हाइड एंड सीक का कंपटीशन चल रहा था और तुम छुप गई थी, फिर किसी को मिल ही नहीं रही थी, और यामिनी भाभी कितना डर गई थी, पूरी सोसाइटी में किट्टू किट्टू ऐसे करके ढूंढ रही थी तुमको, और बाद में पता चला कि मैडम जहां छुपी थी वहीं सो गई थी।
तुम जैसे माँ बाप हमने आज तक नहीं देखे, जाकर कहीं डूब जाओ। कुछ मैसेजेस तो मुझे भी आए हैं। अपने आप को पेरेंट मत कहना, ये सब मैसेजेस ना सेकंड राउंड के बाद आए हैं। कल फाइनल है और पहली बार किट्टू के लिए कोई ऑल द बेस्ट का मैसेज ही नहीं आया। आप टेंशन मत लीजिए देखो भाई, कल कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा बुरा का पता नहीं राजेश भाई, लेकिन हमारी जिंदगी का रियलिटी शो होने वाला है। सुना था जब बाप बनते हैं तो इंसान मजबूत हो जाता है, पैसों की वजह से मैं कब मजबूर हो गया ये पता ही नहीं लगा। बहुत हो गया, नहीं अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, मैम, अब तक मैंने जो कुछ भी बोला वो सारी की सारी बातें झूठी थी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं भी यहाँ खड़ी नहीं होती। अगर वो नहीं होते तो झूठ से बड़े संस्कार होते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। मेरे पापा को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझसे भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर हैं, पर उनके पास कहानी नहीं थी। उनकी कहानी में स्ट्रगल के अप एंड डाउन्स नहीं थे, और मेरे झूठ मूठ में ही सही पर वो थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप मुझे आउट कर दो, 36 घंटे इस छोटी जिंदगी में मैं नहीं जीना चाहती। मैंने पैसों के लिए झूठ बोला था और यही एक रियलिटी है। Yes. रुको किट्टू, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? जब मन चाहे झूठ बोला, जब मन चाहे सच बोला, ये एक टैलेंट शो है, कैमरा चलते रहना चाहिए। और आप चुप रहिए। इस शो को वही जीतते हैं जो सच बोलते हैं। किट्टू, हमारे ख्याल से तुम जीत के दावेदारों में से एक हो, क्योंकि तुमने सच बोला है। इस सबसे बड़े रियलिटी शो को तुमने सच का साथ देकर इस रियलिटी शो का बेंचमार्क ऊपर कर दिया है। किट्टू, तुम झूठ बोलकर 10 लाख रुपए जीतने वाली थी, अब इस शो में सच बोलकर हारने के लिए तुम 20 लाख जीतोगी। समझे मिस्टर मुरली? Is that clear to you? She is the winner. Yes, she is the true winner. Yes. क्या बात है गीता? मुझे ना एक कविता सोची है, सुनाऊं? हाँ हाँ बोलो ना। सॉरी मम्मी पापा, कर दो मुझे माफ, गले लगाओ एक बार। नहीं चाहिए मुझे ग्लैमर, मैं हूँ आपकी लिटिल स्टार। नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट प्राइज, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। मम्मी पापा का प्यार, यही होती रियलिटी। लव यू मम्मी पापा। You better be going. Bank बंद होने से पहले। Dismissed. तो उसके बाद मैं मेरे ऑफिस से वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप लेके बैंक जाने के लिए निकला। और जब मैं बैंक पहुंचा तो मैंने चेक किया कि मेरे पास में वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप था ही नहीं। अरे बाप रे। तो मुझे लगा कि शायद मैं जहां से आया वहां पे कहीं गिरा होगा। तो मैं हर उस जगह गया जहां जहां मैं ऑफिस से बैंक आते हुए रुका था। मैंने हर जगह छानबीन की लेकिन नहीं मिला। मनोज, 25,000 रुपए खो दिए तूने, क्या होगा अब? होना क्या,
बॉस नौकरी से लात मार के निकाल देगा। हाँ बॉस। वागले, मुझे बैंक से अब तक कोई कैश डिपॉजिट का मैसेज नहीं आया। तुमने पैसे डिपॉजिट किए ना? वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी बॉस। वो अब क्या कर दिया तुमने? बॉस वो पैसे मुझसे कहीं क्या? वो आज सैटरडे था ना, तो मैं जैसे ही ऑफिस से बैंक पहुंचा तो हाफ डे था, इसलिए उन लोगों ने कैश डिपॉजिट काउंटर बंद कर दिया, तो मैं पैसे डिपॉजिट नहीं कर सका बॉस। पर कोई बात नहीं है, मैं मंडे को सुबह जाते ही डिपॉजिट कर दूंगा। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है वागले। आई वॉन्ट यू टू टेक योर जॉब वेरी सीरियसली वागले, इसलिए मंडे को किसी भी हालत में वो अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक्स। आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैं मंडे को सुबह जाते ही पहला काम वो करूंगा। आयो, अब तो बताएगा आप यहाँ पे सुबह सुबह क्यों लेके आया है? एक से भले दो, दो से भले तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, मतलब सब समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज संडे है, मैं जानता हूँ संडे को हम सब आराम करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मनोज दादा का एक कीमती एनवेलप गुम हो गया, ओके? उसमें 25,000 रुपए थे, तो वो एनवेलप हम सबको ढूंढना है और हमारे पास टाइम कल सुबह तक का है। मैंने मेरा पैसों से भरा हुआ एनवेलप कल कहीं पे खोया है, और तुझे लगता है कि वो एनवेलप अभी भी जहां गिरा है वहीं पड़ा होगा? अरे हम लोग राम युग में नहीं रह रहे हैं, जहां पे लोग घरों को ताला भी नहीं लगा देते। हम लोग कल युग में रह रहे हैं। हमारी ट्रेन के टॉयलेट में जो लूटा होता है उसे भी लॉक लगा होता है, क्यों? लोग उसे भी चुरा के ले जाते हैं। और ये तो पैसे से भरा हुआ एनवेलप है, तो कोई इसे कैसे छोड़ेगा? तो आप लोग अपना अपना संडे एंजॉय कीजिए, इस एनवेलप के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एक मिनट, क्या है ना, हमारी सोसाइटी में ना नामुमकिन बातें मुमकिन होती है। यस। हाँ? देखो भाई। यस। मतलब एक किराए के कोर्ट की जेब में मिली एक पर्ची के सहारे एक बेसहारा औरत को उसके पति के इंश्योरेंस कवर की रकम भी दिलवाई है हमने। उस औरत ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसे पैसे मिले, तो बताओ हम इस मामले में उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? और नहीं तो क्या, अगर हम ढूंढना चाहें ना तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मंगल ग्रह पे पानी, खोया खोया चांद का चांद। दकू की बात पे लॉजिक, अब बोलो खाली क्या ढूंढना है? ए बंदर, मुंगो मार, आप हमारे कैच आर्टिस्ट को ये बता सकते हैं कि उसका हुलिया कैसा था? एनवेलप का हुलिया? क्या मतलब इसको अभी एनवेलप का हुलिया बताना पड़ेगा? मतलब साइज और एनवेलप अलग अलग। एनवेलप एक मिनट, एनवेलप ये ऐसा था वो एनवेलप, सेम टू सेम एनवेलप जैसा दिख रहा है ना, सफेद भी है ना। इतनी बड़ी कंपनी आपकी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए थोड़ी ना नौकरी से निकालेंगे। निकाल ही देंगे वैनी, मेरा बॉस यही सोचेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच नहीं, वो सोचेगा कि मैंने पैसे खा लिए। एक मिनट, ऐसा क्यों सोचेंगे वो? क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा सोचने के लिए रीजन दिया। मतलब? दो दिन पहले मेरी उससे पैसों को लेके बहस हुई थी। Yeah, Steve, about the consignment you sent me, it's actually perfect. क्या हुआ? मैंने बेल तो नहीं बजाई, क्यों है? सर बात करनी थी, ये जो मुझे पिछले महीने का ओवरटाइम का चेक मिला है ये इसमें गड़बड़ है। अकाउंट्स में बात करो। मैं अकाउंट्स में गया था लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे आके बात करने को, इसलिए मैं इधर आया। स्टीव, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। ये देख। सब सही तो?
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर, मैंने ओवरटाइम 16 दिन किया है और मुझे पेमेंट सिर्फ 8 दिन का मिला है। वागले, इसमें साफ साफ दिखा है कि तुमने 16 दिन नहीं 8 दिन ओवरटाइम किया था। मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए, मिस्टर वागले, ओवरटाइम के पैसे कंपनी के फाइल्स की एंट्री देख कर दिए जाते हैं, स्टेशन से खरीदी तुम्हारी ये डायरी देखकर नहीं। अरे पर सर मेरे पास क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। द बॉस इज ऑलवेज राइट। जाओ अपना काम करो। या स्टीव, अब तू बता मेरे भाई, पैसों से लेके इतनी झिझक होने के बाद में वो मेरा यकीन करेगा? उसे यही लगेगा ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, मैं पूरा पैसा खा गया। मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? पर आपको मेरा झूठ बोलना भी हजम नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब सच सच बोल देता हूं। बस मनोज, शांति से एक बार फिर से सोच ले। हा? मैंने सब सोच लिया है। इनको लगता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तो ठीक है, मैंने गलती की है, जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा। दादा मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पैसे देता हूं, बैंक पे डिपॉजिट कर दो और तुम्हारे बॉस को बताने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। हाँ। राजू मुझे तेरे पैसे नहीं लेने। क्यों? अगर आप राजेश भैया से पैसे नहीं ले सकते तो हर्षद से ले लीजिए। नहीं ज्योति बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और दक्कू भी मदद कर सकते हैं आपको। मनोज मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुझे मुझसे पैसे लेने ही पड़ेंगे, समझा? मनोज तू अभी अभी कह रहा था ना कि कलयुग में अच्छे इंसान नहीं है, देख रहा है कितनी अच्छाई है इस घर में, इस कमरे में। अच्छाई है विद्या, अच्छाई है, लेकिन मैं इस अच्छाई के लायक ही नहीं। अरे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अगर मैं ये पैसे उधार लेता हूं तो मैं इसे कब और कैसे चुका पाऊंगा। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब चुकाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। इसलिए मैं तुम लोगों से पैसे लेना नहीं चाहता। उधार देने वाला इंसान ब्याज लेता है, किस्त ना मिलने पर घर के सामने आके खड़ा भी रहता है। तुम लोग नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं तुम लोगों का अपना हूं। तुम लोगों को लग रहा है तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरी आदत बिगाड़ रहे हो। यार जब सर को ऊंचा रखना होता है ना तो सर पे हमेशा तलवार लटकनी चाहिए। यार राजू मतलब अच्छा नहीं, एक काम करो, ये पकड़ो, पैसे भी है मिठाई भी है, तुम ऑफिस भागो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं। ओके मुझे बैग लेनी है। सुन दो, अरे हेलो। हेलो मनोज वागले बोल रहा हूँ। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ। वो पैसे मुझे मिले हैं। प्लीज अगर आपको ऐसा कोई एनवेलप मिले तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, याद रहे कि ये एक कॉमन मैन की नौकरी का सवाल है। तो अगर आपको कोई जानकारी मिले तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, नंबर है 942048। क्या हुआ विद्या, लिफाफा मिला, कुछ पता चला? नहीं ना काकू, मैंने पूछा उसे कि क्या हुआ, हुआ क्या कुछ पैसों का, तो घर आके बता दूं क्या के बात टाल दी। ऐसा बोला? फिर तो पक्का नौकरी गई। तू कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता ना मंगेश। छोड़ ना उसे, तू ना फिकर मत कर। अभी सखी ने अपील किया है ना इंटरनेट पे, हाँ तो अगर भला आदमी होगा और उसे पैसे मिले होंगे ना तो जरूर वापस करेगा। हा? किसी भले आदमी को मिला होगा तब ना, आज की डेट में फ्री का हुआ पैसा कौन वापस करता है? आप ही का है ना, वही सीट पे गिरा हुआ था। मैं रोज ऑफिस से घर उसी बस में आता हूँ, तो मुझे लगा आप भी उसी बस से जाते होंगे, तो मैंने सोचा आज यानी मंडे को मैं आपको ये लौटा दूंगा, पर आज आप दिखे ही नहीं। अच्छा तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कैसे मिला? कैसे मिला? हाँ कैसे मिला, याद करो याद करो याद करो, कैसे मिला?
याद आ गया, याद आ गया, उस दिन आपका झगड़ा हुआ था, दाराज गैराज में आपने बाइक रखवाई थी, ये बात मुझे याद आ गई। मैं बस से उतर गया, दाराज गैराज में गया, आपका एड्रेस निकाला और तुरंत दूसरी बस पकड़ के यहाँ पे आ गया, है ना? देखा आपने, अच्छा आज भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, यूर वेलकम। थैंक यू, तो मैंने बोला ही नहीं। अच्छा एक बात बता, जितना रट के आया है सब बोल दिया या कुछ बाकी है? अच्छा किसने रटवाया ये सब? मेरी है ना लास्ट बस छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ। अरे रुक 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 रुक, मेरे स्ट्रगलिंग एक्टर एक्टर, पर आपको पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ? मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तुझे कहीं देखा है, फिर मेरे ध्यान में आया, कल मैं एक क्राइम शो देख रहा था, उसमें एक मर्डरर था जिसका कैरेक्टर तूने प्ले किया था। ये जो ओवर एक्टिंग तूने की है अभी, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? इन्होंने। अरे और डायरेक्ट इन्होंने किया। तिवारी जी, जी सर। आम पापड़ कहाँ है? कौन सी सब, कौन सी? अरे यमने जो दिए थे, ऊपर धूप में सुखाने हैं, दो। ओए ओए दक्कू, रात को कौन सी धूप निकलती है जो पापड़ सुखाने जा रहा है? हाँ वो हमारी छत पे होती है। एक 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 मिनट, एक बात सुनो मनोज भाई, वो काका काका चलो चलो मेरे साथ फटाफट चलो। अरे क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार, चलो चलो छोड़ो छोड़ो मैं चलो चलो मैं आपको बताता हूँ। चलो क्या चलो, बात चलो, क्या चलो, है चलो। अरे क्या क्या हुआ काका? बिलीव नहीं करेंगे कि क्या हुआ। क्या हुआ है? आपके खोए हुए पैसे मिल गए। यस। अच्छा हाँ अंकल, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे क्या हुआ है। आपने वो सखी का बनाया हुआ वीडियो तो देखा ही था राइट, तो उसमें मेरा नंबर दिया हुआ था, लेकिन मैं शाम तक वेट कर रहा था, एक भी रिस्पांस नहीं आया अंकल। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एक घंटे पहले मेरे फोन की घंटी बजी और आपको पता है क्या हुआ? मेरे मेरे पैसे मिल गए। यस यस सुना देखो, मेरे मेरे पैसे मिल गए। इसे भी ए देखो, तू उसको छोड़, तू मुझे बता, यामिनी वहनी और ज्योति वहनी जब चाय वाले के पास पूछताछ करने के लिए गए थे, तब उसने क्यों नहीं बताया कि उसके पास पैसे? वो था ही नहीं ना। ओ, ओ उसकी छुट्टी थी, उसका भाई उसकी टपरी पे चाय बना रहा था, तो यामिनी भाभी और ज्योति भाभी जब पैसे के बारे में पूछ रहे थे तो उसके भाई को आइडिया ही। अच्छा क्या चल क्या रहा है? हाँ राजू, हाँ तुझे पता है क्या हुआ? क्या? मेरे पैसे मिल गए। हाँ वो तो सुबह ही मिल गए ना। नहीं नहीं डैडी, सुबह का, अभी अभी मिले विमान को। हाँ ये रहा, वो सब छोड़िए अंकल, आप ये लीजिए, पास ऑन प्लीज। और याद रखिए अंकल, दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। अरे बेटा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मनोज दादा को सुबह पैसे मिल गए हैं। राजू हाँ हाँ दादा, अब तो एक बात बता, अगर ये मेरे पैसे हैं, तो जो पैसे तूने मुझे सुबह दिए वो किसके पैसे थे? तुमने मनोज दादा को सुबह पैसे दिए? हाँ मतलब मैं बताना भूल गया कि दादा को सुबह पैसे मिल गए। बाय बाय। रोक 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 रोक। I am sorry. देखो वो क्या है ना कि सखी को वीडियो बनाने मैंने बोला था, वो मेरा आइडिया था, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था, कुछ उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने बोला नहीं पैसे दे देता हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। सुबह से मुझे 5 लिफाफे मिल चुके हैं, कल तक 25,000 रुपए के लिए हाथ पांव मार रहा था मैं, और आज 25,000,000 रुपए जमा हो गए। सबकी कहानी भले ही झूठी थी, पर इरादे सच्चे और नेक। तू सही कहता है राजू, इस दुनिया में वाकई
सच्चाई अभी भी जिंदा है और चमत्कार होते हैं। यस। लेकिन दादा, मतलब आपकी खुददारी पर नाज है मुझे, लेकिन जब मतलब हेल्प की जरूरत हो तो अपनों से पैसे लेने में कैसा हिचकिचाना। हाँ, और अगर कोई फ्लैट खाली है तो मैं भी साई दर्शन में ही शिफ्ट हो ही जाता हूँ। इसका अपना ट्रैक चल रहा है। मनोज भाई, मनोज भाई, मनोज मनोज भाई, तो आप यहाँ पे मिल गए। अब मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हो गया। क्या हो गया? पैसे मिल गए, पैसे पैसे मिल गए आपके, पैसे मिल गए। बोलो, सेम स्टोरी वापस रिपीट होने वाली। अच्छा, कहाँ मिले? बैंक में। बैंक में? बैंक के पास से। हाँ। जिस बैंक में आप वो पैसे डिपॉजिट करने गए थे ना, वहीं पे गिरे पड़े थे, वहीं से मिले। अरे बाबा, इस दुनिया में अच्छा अभी भी जिंदा है। हाँ? और चमत्कार होते हैं। ये ऑलरेडी हो गया है। आप सानिया, वो पिरामिड कंस्ट्रक्शंस की फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए शाम तक। मैं कमिंग सर। क्या हुआ? आज पूछा नहीं कि सर आपने बुलाया? कुछ काम था सर। ये चेक बैंक में अर्जेंटली डिपॉजिट कर दो। ठीक है, वो नए वाले बैंक अकाउंट में, आपकी वाइफ के? नहीं, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में। वागले, ओपन द एनवेलप। ये पैसे? मैंने दोबारा एंट्रीज चेक की और तुम सही थे। तुमने 8 दिन नहीं बल्कि 16 दिन ओवरटाइम किया था। सो यस, ये तुम्हारी पेंडिंग अमाउंट है और इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सर। पागले, अब ऐसे खड़े मत रहो, गो बैक टू वर्क। ये एनवेलप कहां से आया? इनसे पूछो। कमाले, आपने भी, और हमें बताया भी नहीं ना। अच्छा, कैसे बताते? तूने बताया था मम्मी? वैसे तो हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं, आज अचानक ये प्यार कहां से उभरा है? अगर तू सच बोलने की कोशिश करे और बाप होकर मैं कुछ भी ना करूं तो मैं बाप कहलाने लायक नहीं। बस इसीलिए किया। एक बात और, मुझे भी मंगेश की तरह ये भिंडी पसंद नहीं, पर तो मुझे पता है मुझे बचपन से भिंडी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए पूछ, रोज रोज अब चुपचाप खा लिया करता हूं। मेरे हाथ से खा के देखो। मैं? कैसी लगी? नमक फिर भी कम है। लो एक और खाओ।
यार क्या कर रहे हो तुम? राजेश क्या तुम एक सच्चे पिता हो? अपने बेटे या बेटी के अच्छे दोस्त हो? मैं हूं, क्योंकि आज मेरा 15 साल का बेटा अपनी कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है। आज से एक साल पहले वही बेटा मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और अपने निठल्ले दोस्तों के कब्जे में था। क्या कर रहे हो तुम? मैं? हाँ हाँ तुम। पेपर पढ़ रहा हूँ। खोलो खोलो ये पेपर, देखो इसमें ट्यूशन क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट होगी। 99% 98% लाने वाले बच्चों की फोटो होगी। है तुम्हारे बेटे की फोटो क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि तुम जैसे लोग पेपर केवल पढ़ते हैं, अपने बच्चों की स्टोरी छपने के लिए कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं, अगर तुम्हारे बेटे ने 10th का एग्जाम दिया तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारा बेटा किसी बस का ड्राइवर होगा या किसी प्लेन का पायलट, ये केवल तुम डिसाइड कर सकते हो। आज तुम्हारा बेटा सो रहा है। मैं जगाता हूं उसे। रुको, वो नहीं सो रहा है, सो रहे हो तुम। मिस्टर राजेश वागले, जाग जाओ, ये जागने का समय है। एक अच्छा बाप बनने के लिए अपने बेटे के दोस्त बनो, उसके इंस्पिरेशन बनो, उसे मोटिवेट करो। तुम ही हो तुम्हारे बेटे के जीवन के शिल्पकार। डैडी क्या कर रहे हो? अरे अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ मैं, देखा तुमने? मुझे नहीं पता, अथर्व से पूछ। क्या हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा अथर्व, मेरा मोबाइल देखा क्या ना, मैंने यहीं पे, ये क्या, ये सारे रैपर्स यहाँ पर किसने ठूस कर रखे हैं? मुझे क्या पूछ रहे हो, ये भी अथर्व नहीं किया होगा। अथर्व क्या है ये? हाँ चलो साफ करो इसे, चलो चलो। आप लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है? मैंने चिप्स नहीं खाए तो मैं ये रैपर नहीं उठाऊंगा। नहीं अथर्व राजेश वागले, तक्को अंकल आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो ना, तो चलो मैं आपको इक्वालिटी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये बिल्डिंग का जो गार्डन है ना, वो सबके लिए है, लेकिन बच्चों का सबसे पहला हक है उस पे। जब बड़े बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चों को हटा देते हैं, फिर जब बुजुर्ग लोग आते हैं वो लोग वैसे ही बच्चों को हटा देते हैं। मैं बच्चा हूँ इसलिए आप हमें अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैं आऊंगा और आंदोलन करूंगा और आपको लीगली समझाऊंगा कि बच्चों के क्या क्या हक होते हैं, समझे? बाय। इक्वालिटी, आंदोलन, लीगल लैंग्वेज। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। राज, कौन सा इंजेक्शन लगाया था थर्म को? कौन सा इंजेक्शन लगाया था थर्म को? हालत देखो उसकी, देखो। अंकल मुन्ना भाई में जैसे संजू बाबा की हालत थी ना, वैसी हालत हो गई है इसकी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, सबको बताऊंगा मुझे क्या करना है। अरे इंजेक्शन मैंने नहीं लगाया है, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ने का नतीजा है। सुबह बोल रहा था कि उसको सबसे बात करनी है, डैडी को कहना कि वो ऑफिस ना जाए। शादी है? What? क्या? Are you serious? Yes, bro. I'm serious. सही सुना आप लोगों ने, मुझे शादी करनी है। शादी, विवाह, मैरिज, लग्न। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोलने जा रहे हैं? मैंने क्या बोला? बस मम्मी, यही वो फर्क है जिस वजह से आज तक हमारा नाम अखबार में नहीं आया है। और उन महान लोगों से इतिहास लिखा गया है। पता है क्यों? क्योंकि उन महान लोगों की जब बचपन में शादी हुई थी तब उनकी मम्मा इस तरह गुस्सा नहीं हुई थी। एक थप्पड़ पड़ेगा दिमाग ठिकाने में।
एक मिनट इसे अपनी बात तो पूरी करने दो। एक मिनट रुको अथर्वा, इन महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने के बाद तुम इस कंक्लूजन पर आए हो? यस। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स पाने के लिए। अच्छे मार्क्स लाके क्या मिलता है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन होती है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद क्या होता है? एक अच्छी नौकरी लग जाती है। और एक अच्छी नौकरी लगने के बाद क्या होता है? शादी, है ना? इसका मतलब एक अच्छी बीवी पाने के लिए एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो हम इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल एक अच्छी बीवी के लिए करते हैं। अगर वही अच्छी बीवी हमें ये सब करने के पहले ही मिल जाए तो डैडी, उन किताबों में वही लिखा है, हर महान इंसान की शादी 10-12 साल में ही हो जाती है। मैं तो 15 साल का हूं, तो एक महान इंसान बनने का पहला कदम होना चाहिए शादी करना। मैं कर आपके सामने एक रिसर्च प्रेजेंट करूंगा और इस टॉपिक पे चर्चा उस रिसर्च को देखने के बाद करेंगे। लेकिन याद रखना, शादी करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। दादाजी, क्या आपको पता है कि जब आपके दादा दादी की शादी हुई थी तब उनकी उम्र क्या थी? दादा की उम्र होगी कोई 10-12 साल। हाँ, और मेरी दादी की उम्र थी 12 और दादा की थी 14। यस। ये क्या उम्र है शादी करने की? अर्शद, आप कुछ ज्यादा ही टीवी शो देखने लगे हो, उसमें जो भी होता है वो सब सच नहीं होता। अरे मैं टीवी शो की बात नहीं कर रहा हूँ बावरी, कल से हमारी सोसाइटी में जो शो शुरू होने वाला है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अथर्व की शादी। अरे तो इसमें गलत क्या है पापा? आप भी तो मेरी शादी की बात तब से कर रहे हो जब से मैं 16 की हुई हूँ, तो वो 15 का है। हाँ, अगर ये बात अथर्व के पेरेंट्स के दिमाग में आई होती तो वो गलत होती, लेकिन ये बात अथर्व के दिमाग में आई है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड लॉजिक है। माई फ्रेंड इज कमिंग विद अ न्यू ट्रेंड। मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा तू? एक नए रेवोल्यूशन में मदद करने। शाबाश बेटा, रिलेशनशिप में मदद करनी चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।